नमस्ते नमस्ते, कैसी है चंपा जी? ठीक हूँ। आज सर से जल्दी आ गए? हाँ, जरा जल्दी आ गए आज। तो आइए ना, हमारे साथ एक कप चाय पी के जाइएगा। नहीं बेटे, शारदा इंतजार कर रही होगी ना। चंपकलाल जी उठे कि नहीं? जी अभी उठे। अच्छा बेटे, अच्छा। चलता हूँ। अरे अभी अभी तो आपको बेडरूम से उठाया है, अब यहाँ आके सो गए? ओ चंपा डार्लिंग, मेरा चाय का कप कहाँ है? तुम्हें तो मालूम है कि मैं सुबह सुबह चाय पीने का आदि हूँ। आप पहले उठिए तो, लाती हूँ। थैंक यू। चंपकलाल, गुड मॉर्निंग। हाउ नाइस। चंपा डार्लिंग, तुम तो इसमें शक्कर डाला भूल ही गई। भूल ही नहीं हूँ, घर में शक्कर का एक दाना भी नहीं है। तो बाजार से मंगवा लो। बाजार से लाने के लिए पैसे चाहिए। ये सब तुम्हारा कसूर है, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं इसका इंतजाम कर लेता। शक्कर का ना? हाँ। ये इंतजाम करने से अच्छा तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? नौकरी? हाउ सिली, नौकरी करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं चंपक लाल कभी किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, समझी? ये मेरी बात नहीं समझेंगी, माय वाइफ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छुटी बंदी, महासुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हो सिद्धि साखी गोरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजिए नाथ हृदय महम डेरा, श्री हनुमंती नमः। जय। This is the voice of the wild planet. Be prepared to leave your world behind. So, we are coming to take you with us. भजरंगबली, ये तेरी आकाशवाणी है या मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं? हे प्रभु, तेरा सिस्टम मेरे समझ में नहीं आया। बोलो प्रभु, बोलो भजरंगबली। समझ गया। उसी की आवाज है। आप तो मान गए ना? हाँ। जाइए दरवाजा खोलो। कोई चंपकिया होगा और कौन होगा? प्रोफेसर साहब! प्रोफेसर साहब, ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह सारी नींद का सत्यानाश हो गया। क्या अपने रेडियो नहीं बजा सकते? चंपकलाल जी, थैंक यू। अगर ये रेडियो होता ना तो मैं बंद कर देता।
लेकिन ये मेरे नए पेइंग गेस्ट हैं। पेइंग गेस्ट? जी। क्या आपने किसी बैंड मास्टर को पेइंग गेस्ट रख लिया है? ए, ये बैंड मास्टर क्या लगाया है? हाँ? Let's get one thing quite clear. We guys play soul music, right? तुम लोगों ने हमारा कंसंट्रेशन खराब कर दिया। तुम लोग को और कोई काम नहीं है क्या? You know you have spoiled our spiritual experience. Oh, तो ये तुम लोगों का spiritual experience है, soul music है? अरे मुझे तो ऐसे लगता है किसी घर में तीन औरतें एक दूसरे पे बर्तन फेंक रही हैं। I say, who is this cartoon? कौन है ये? क्या? मैं तुम्हें कार्टून नजर आता हूँ? Yes, Mickey Mouse, Donald Duck, Wildcat. ये चंपालाल है। चंपालाल? You mean flower child? What flower child? मैं चंपकलाल हूँ। बहुत हो चुका, बंद करो ये सब। ये घर है, कोई स्टेज नहीं। Cool it, madam. Cool it, cool it. Life, madam, is but a stage, and all the men and women merely players. अरे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लाइनें बोलकर मुझ पे रॉब मत झाड़ो। Gracious, Bernard Shaw, you're all wet behind the ears, man. चंपकलाल जी, ये लाइंस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की नहीं, शेक्सपियर की है। कोई बात नहीं। I say you really are a square man. Square? ये कौन सी ज़बान बोल रहे हो भाई? English, man, English. Don't you dig me? Dig you? अरे तुमको सोने की खान हो जो मैं तुमको खोदूंगा। This nut will never understand. Let's get back to our music. What? Idiot. आज तक मेरी बेइज्जती इस तरह किसी ने नहीं की। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कृष्णकांत जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए चुप रहा, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आप इन, आपका मतलब इन बच्चों, बच्चों को नहीं बैंड बजाने वालों को अपने घर से निकाल दीजिए, वरना मैं, वरना आप क्या करेंगे? कान में रुई डाल के सोइएगा। ये लीजिए रुई, मैं भी डाल के सोऊंगा। यही, मैं इन लोगों का बैंड बजा दूंगा। नट मुकबल, मैं नट नट। आपने उन लड़कों को कुछ कहा क्यों नहीं? आखिर हमारे बच्चे भी तो शरारती थे, मगर इस तरह नहीं। ये सब भी अच्छे घरों के लड़के हैं शारदा, लेकिन इन्हें किसी ने समझाया नहीं, सही राय कभी नहीं। ये उम्र ऐसी होती है शारदा, अगर एक बार गलत रास्ते पे कदम पड़ जाए तो पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। आप कुछ भी कहें, मगर इतनी ज्यादती कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोमनाथ? जी मालकिन। सोमनाथ, हम लोग बाजार जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और देखना ये लड़के शोर शराबा ना करें, समझे? आप बेफिक्र रहिए मालकिन, मैं इन लोगों को इनका म्यूजिक ही भुला दूंगा। कोई पागलपन नहीं कर बैठना। मालिक, आप तो जानते हैं कि मैं हर काम सिस्टम से करता हूँ। देख लूंगा। The coast is clear, वो दोनों गए। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। That's right, give me E minor, follow. Okay, Ronnie. Right, Jay. Okay, up tempo. अब बजाने दो मुझे। जुगलबंदी होगी दोनों। वन टू, वन टू थ्री फोर। लगता है थक गए। What's going on? Let's start again, huh? Okay, one, two, one, two, three, four. Hey, stop it!
इसका मतलब मेरे म्यूजिक ने तुम लोगों के म्यूजिक की छुट्टी कर दी। तुम इसे म्यूजिक कहते हो? अरे आप लोगों का ये म्यूजिक है तो मेरा ये पतीला म्यूजिक है। हो जाए एक और जुगल मंदिर सोमनाथ के साथ। सोमनाथ? वो तो बहुत पुराना नाम है, हम इसे सैमी कहकर बुलाएंगे। अच्छा, सोमनाथ कहो या सैमी, मगर मैं आप लोगों को ये कचरा पट्टी म्यूजिक नहीं बजाने दूंगा। This man is a big problem. ऐसा ही रहा तो हमको ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने से अच्छा हम इसको रास्ते पर लाएं। Now that is a good idea. Come on, boys, let's go. Boys, अब सैमी की छुट्टी। अब मजा आएगा। बिल्कुल बस। कहीं डॉलर जल जाए, कहीं चावल न जल जाए। हाय सैमी बॉय। अब क्या है? कम ऑन सैमी, पीस पीस, शांति सैमी, नो मोर फाइट्स, तुम जीते। मैं हमेशा जीतता हूँ, दिस इज माय सिस्टम। आई लाइक योर सिस्टम सैमी। ये क्या सैमी, तुम बीड़ी पीते हो? सेठ और सेठानी नहीं होता है ने, तभी कभी कभी। नॉटी सैमी। मगर सैमी बीड़ी ओल्ड फैशन है, तुम्हारा मॉडर्न नाम के साथ अच्छा नहीं लगता है। ये लो सैमी, ये लो, सिगरेट पियो। नहीं नहीं नहीं, ये हमने कभी नहीं पिया। पहले तुम सोमनाथ थे, अब सैमी हो, ये लो पियो। अच्छा पीता हूँ बाबा, लेकिन फिर तुम लोग म्यूजिक बजाना तो नहीं शुरू कर दोगे ना? नो सैमी, नो मोर म्यूजिक, आई प्रॉमिस। नहीं तो मैं पतीला बजाऊंगा। जलाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब तो लगता है कि सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे और मैं दुनिया के ऊपर। नाउ स्टे देयर, वहीं रहो। अच्छा, और ऊपर गया, और ऊपर गया। कैसा? हवा में लटक रहा है। एक जगह पर लटक रहा है। वो भी बोला बिरट बोला। Yeah!
शोभना सैमी अंदर जाओ। वे सॉरी सर, हम इस फ्रेम के पैसे दे सकते हैं, वी कैन पे फॉर इट। कितने पैसे दे सकते हो? कितने? गिव मी द मनी यू गॉट फारूक। कितनी कीमत है? 20 रुपए। 20? ये ले लीजिए। ये किसका पैसा है? हमारा। तुम्हारा या तुम्हारे मां बाप का? मुझे तुम्हारी अपनी कमाई में से 20 रुपए चाहिए। है तुम उसे किसी के पास? जिस दिन तुम कमा लोगे उस दिन दे देना। इस वक्त तुम इसका मूल नहीं जान सकते क्योंकि तुम्हारा अपना कमाया हुआ पैसा नहीं है। इस समय तो तुम शोर शराबा और नशे की दवाओं का सहारा लेकर जिंदगी से भागने की कोशिश कर रहे हो और किसी भी चीज से भागना उसका हल नहीं होता। जो समय तुम फालतू बर्बाद कर रहे हो अगर उसका सही उपयोग करो तो तुम क्या नहीं कर सकते? लेकिन कुछ करने की आजादी हो तब ना सर। हर चीज के लिए हमें अपने माँ बाप पर डिपेंड करना पड़ता है। कोई भी फैसला हम खुद कर ही नहीं सकते और उन्हें कभी अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं तो कुछ बात समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें समझने की कोशिश की? उनके ढंग से सोच के देखा है? सर वो पुराने ढंग से सोचते हैं। जो आज नया है वो भी तो कल पुराना होगा। एक दिन तुम भी उनकी उम्र में पहुंचोगे तब तुम्हारे और आने वाली पीढ़ी के विचारों में भी फर्क होगा। फिर आप ही बताइए सर, जब हमारे विचारों में फर्क होगा तो हम एक साथ कैसे रह सकते हैं? यही फर्क हमें मिटाना। नदी के दो किनारे जरूर होते लेकिन जब उन पे पुल बन जाता है तो उनके बीच की दूरी खत्म हो जाती है। ये पुल हमें बनाना है ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का फासला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बच्चों मेरी बात पे गौर करना। मैडम ये जो कुछ हुआ हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज सर, प्लीज मैडम, हमें अपना बेटा समझकर माफ कर दीजिए। हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। हम लोग जा रहे हैं। नहीं बेटे, शायद मैं ही ज्यादा गुस्से में थी। अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, तुम लोग यहां रह सकते हो। नहीं मैडम, हम कहीं और नहीं, अपने घर जा रहे हैं, अपने माँ बाप के पास, और फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मुझे खुशी है तुम लोगों ने सही फैसला किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सर, प्लीज मैडम, विद योर परमिशन मे वी सिंग अ फ्यू लाइंस बिफोर वी गो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके कम ऑन। 1 2 3 4 He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow. And so say all of us, and so say all of us, and so say all of us, for he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow.